और फिर पाकिस्तान के पास एक ही स्टांस है कि या वर्ल्ड कप का बैकआउट कर दे या आईसीसी को कह देगा कि जी हमारी हुकूमत हमें परमिशन नहीं दे रही है तो आप हमारे मैचेस बांग्लादेश रखें। इसमें जो आप बीसीसीआई ये लिख कर दे कि भाई जो भी हो जाए एशिया कप में आप न्यूट्रल पे खेलें जहां मर्जी खेलें, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम पाकिस्तान में आगे खेलेगी, और अगर बीसीसीआई ये लिख के देता है तो हम बगैर किसी रोले रप्पे के जो आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में चले जाएंगे। अगर हम तब वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएंगे 2023 का, अगर 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 बीसीसीआई हमें लिख के दे एक पेज के ऊपर कि वो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएंगे और साथ एशिया कप वाली भी यकीन क्रिएट की है पीसीबी ने, उसको किसी भी बहाने से पाकिस्तान से एशियन क्रिकेट काउंसिल के कंधे पर रख के फायर करने का फैसला किया है कि ये क्योंकि अब माहौल थोड़ा गर्म हो चुका है और इस गर्म माहौल के अंदर लोहा भी गर्म है तो इसके ऊपर कोशिश वो बड़े दिनों से कर रहे हैं। आपको मालूम है कि मैं 3-4 स्टोरीज एशिया कप के ऊपर कर चुका हूं, जो भी डेवलपमेंट आ रही होती है। जिस दिन नेपाल ने क्वालिफाई किया उसके बाद जय शाह ने ट्वीट की और टूर्नामेंट अपने शेड्यूल के मुताबिक होने जा रहा था। अब ब्रॉडकास्टर्स को कहा गया है कि आपका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और हमारे साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, इन दोनों को उन्होंने ऑफर किया था, पहले उन्होंने रिफ्यूज कर दिया लेकिन अब उनको राजी कर लिया है। वो भी यूएई की छठी टीम जो पाकिस्तान की जगह अल्टरनेट टूर्नामेंट एशिया कप का बीसीसीआई ने प्लान किया है। अभी नजम सेठी जा रहे हैं दुबई और एक दो दिन तक ये चीज वाजे खुल के सामने आ जाएगी कि यूएई को वो छठी टीम के तौर पर टूर्नामेंट के अंदर शामिल करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को एशिया कप पाकिस्तान से बाहर लेना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी हम हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान से बाहर अपने मैचेस इसलिए नहीं खेलना चाहते। बीसीसीआई कहता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप का कोई एक मैच ना हो, कि ब्रॉडकास्टर्स को इसके ऊपर एतराज है। अब साफ जरूर उन्होंने कोई ना कोई अनाउंसमेंट तो बना नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेस रिलीज होगा उसमें कोई ना कोई बहाना तो वो इख्तियार करेंगे कि ब्रॉडकास्टर्स को इशू है, कोई सिक्योरिटी का इशू या गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है। तो वो एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल बाकी मेंबरान के साथ मिलकर पाकिस्तान से टूर्नामेंट को वापस लेके, तो पाकिस्तान अगर बाहर टूर्नामेंट होस्ट नहीं करवाता, पाकिस्तान कहता है कि जी मेरे मुल्क से आप टूर्नामेंट छीन के लेके जा रहे हो, मैं तो टूर्नामेंट करवाने को तैयार हूं, तो पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट नहीं खेलता तो फिर यूएई की टीम को छठी टीम के तौर पर इस टूर्नामेंट के अंदर शामिल करके ब्रॉडकास्टर्स की रकम ना डूबे, ब्रॉडकास्टर्स के जो मुहदे हुए हैं वो ना खराब हो, तो इसलिए ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड प्लान करके बैठा है। और नजम सेठी के पास ये भनक उन तक पहुंची है, उन तक ये खबर पहुंची है, अब वो आईसीसी के पास चले गए हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी लोगों से वो बात करेंगे। और इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मैं अरसे से कहता चला रहा हूं कि बीसीसीआई अपने क्रिकेट फैंस को नहीं बताता, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए नॉर्मल हालात के अंदर जाने का फैसला किया हुआ है कि अगर हमने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी करानी है तो उस टूर्नामेंट की मेजबानी हमारे पास रहे, तो इंडिया 2025 में आने की गारंटी दे। एशिया कप पे नहीं आता पाकिस्तान, इसके ऊपर ये कह चुका है बकायदा डॉक्यूमेंट्स की सूरत में पाकिस्तान अपना जो स्केड्यूल है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को भेज चुका है कि इंडिया अपने मैचेस बाहर खेल ले, हम मैनेज कर लेंगे, हम होस्ट हैं, 3 घंटे की फ्लाइट है दुबई की। लेकिन अगर इंडिया यहां से टूर्नामेंट ही छीन के ले जाता है जैसे उसने बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एशिया कप का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी हाल ही में पीसीबी ने बीसीसीआई को धमकी दी है। आपको पता है कि इस साल का वर्ल्ड कप भारत में होगा। अब चूंकि भारत एशिया कप खेलने नहीं जा रहा, पाकिस्तान ने अपनी पूरी जोर लगा दी, उनके विदेश मंत्री भारत तक आ गए लेकिन भारत ने यहाँ कोई भाव नहीं दिया, उनकी बेइज्जती कर दी, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद अब जब भारत ने डिसाइड कर दिया कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला कहाँ खेला जाएगा और कब होगा, तब पाकिस्तान के दिमाग में खुरापात सूझी कि अब कैसे करके बीसीसीआई से बदला लिया जाए कि इंडिया वाले तो भारत में आ नहीं रहे तो हम कैसे क्या कहें। तब पीसीबी ने एक नया सकूबा छोड़ा कि उन्होंने कहा, नजम सेट्टी ने कहा कि बीसीसीआई हमें यह लिख कर दे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत में आएंगे तब हम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब बताइए दोस्तों कि क्या बीसीसीआई को आप कोई शर्त देंगे? आपको पता है बीसीसीआई कौन है? वर्ल्ड क्रिकेट का सुपर पावर है बीसीसीआई। बिना बीसीसीआई के कोई भी क्रिकेट चल नहीं सकती। आपको पता है नजम सेट्टी आप क्या कह रहे हो? आपको कुछ नहीं पता। तुम चाहे जितने सर पर मार लो, अपनी पूरी जान लगा लो, लेकिन जैसा का और बीसीसीआई का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। तुम भारत में आओगे, भारत की शर्त पे आओगे, भारत जब कहेगा दौड़ते हुए आओगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मना कर दो कि हम नहीं खेलने आएंगे। भारत की औकात थी, भारत ने मना कर दिया, एक बार बोला दोबारा नहीं बोला। तो ये होती सुपर पावर है भारत, वर्ल्ड क्रिकेट का सुपर पावर। जैसे अमेरिका सुपर पावर है ना, वैसे भारत वर्ल्ड क्रिकेट का सुपर पावर है। तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है दोस्तों कि ये लोग मना कर दें कि भारत नहीं खेलने, दौड़ के आएंगे खेलने। नसीबों से भारत से मैच खेलने को मिलता है। कई मन्नतें मांगते हैं यहाँ क्रिकेट, श्रीलंका वलंका जैसे टीमें, भारत किसी को मना कर देगा तो एशिया कप खेलने जाएंगे क्या? तो ये जरा सोच के बोला करो, शर्त रख रहे हो, तुम्हारे बाप हैं हम, तो थोड़ा सोच के बोला करो। बीसीसीआई से पंगे ना लो,
तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। तो देखिए दोस्तों आगे वीडियो में ये क्या बोल रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। कौन होते हो, आपको क्या हक पहुंचता है कि 2 साल बाद वाली ही आप जो है वो डिमांडे करना शुरू हो गए हो कि जी बीसीसीआई हमें एक पेज के ऊपर, ये ऑफिशियली चीज बता रहा हूँ, ये पेज वाली बात की गई है नजम सेठी के मुंह से, एक पेज के ऊपर हमें लिख के दो और हमें रिकॉर्ड करवाओ अपनी जुबान से कि भाईजान आप 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आओगे। ये कौन सी यकी है? नहीं, ये तमाश भी नहीं हो रही है, ये गुल्ली टल्ले की गेम हो रही है, या इधर गेंद टल्ला चल रहा है, या इधर कौन क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या तमाश भी नहीं हो रही है। मतलब ये जी आप हमें पहले वो कहते ना कसम चुक वाकई हो गया, वो वाली चीज होगी ना कि जी पहला तुम आना तो असी आना, वरना तुम नहीं आना तो असी नहीं आना, ये वो दोस्त वाली चीज होगी ना, वो दोस्त कहता है यार तू मुझे मैसेज नहीं करता, आगे से कहता तूने कौन सा कभी मुझे मैसेज किया जो मैं तुझे कभी मैसेज कर दूं, ये वाली पचकाना हरकतें, क्या तमाश भी नहीं है यार। पहले आपने एशिया कप वाली तमाश भी नहीं करवाई रखी थी, एशिया कप इंडिया खेलने आए, ये आए वो आए, अब न्यूज ये निकल गया है पीसीबी के पे से, ये न्यूज निकल गई है, नजम सेठी साहब ने खुद ये न्यूज दी है कि एशिया का जो पीएसएल है 2024 वाला PSL 9 जो है वो यूएई में मुंतकिल करो, क्योंकि सिक्योरिटी के पैसे नहीं है हमारे पास, हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, हमारे पास सिक्योरिटी के पैसे खत्म नहीं है। मतलब एक साइड पे ये लोग कह रहे हैं इंडिया को कि हमारे घर में एशिया कप खेलने आओ, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो सिक्योरिटी इनकी बहन की तो नहीं ना, वो सारी सी बात है पैसे भी लेगी। मतलब एक साइड के ऊपर इंडिया को कह रहे हैं हमारे घर एशिया कप खेलने आओ, दूसरी साइड पे इनके पास सिक्योरिटी के पैसे नहीं है, ये अपना PSL उठा के वो यूएई में लेके जा रहे हैं। मतलब उधर सबको पता है सिक्योरिटी वगैरह का सीन नहीं है, उधर इजीली प्लेयर को बस में बिठाओ चले जाएंगे और आ जाएंगे, ये वाला सीन है। मतलब ये कौन सा बात है आपका, वो कहते हैं ना सर पाँव मिल, सर और पाँव वाली चीज है ही नहीं ना, आपस से नीचे तक बात मिल ही नहीं रही, एक बात पुठी लाजी है और एक और पुठी लाजी है। क्योंकि एशिया कप को आप साइड पे कर लें, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, लेकिन जो वर्ल्ड कप है, चैंपियन ट्रॉफी है, वो आईसीसी का इवेंट है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को नहीं, बीसीसीआई को, आईसीसी को लिख के ये देना होगा कि भाई अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो आपका इवेंट है आईसीसी का, उसमें इंडिया में आता है, हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो ये नजम सेठी का कहना है कि आखिरी फैसला है, यानी कि चैंपियन ट्रॉफी जो एशिया कप है वो तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे उसके मैचेस इंडिया के करवा लेंगे, जो मुमकिन मुमकिन चीज़ नजर आ रही है वो हम करवा लेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में हम तभी जाएंगे कि इंडिया ये लिख कर दे कि भाई आईसीसी को लिख कर दे कि भाई हमने भी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में जाना है। और ये फिर जब आप लिख के देते हैं फिर क्या होता है कि जब जैसे पाकिस्तान फंसा हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, पाकिस्तान बायकॉट करता है, आईसीसी पाकिस्तान पे चढ़ जाएगा कि भाई आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगी, आपसे बायकॉट है हमारी।